Sarcoma is a general term for a broad group of cancers that begin in the bones and in the soft tissues. Bone sarcomas are rare tumors, approximating 0.2% of all cancers. The common subtypes identified in India include Ewing sarcoma and synovial sarcoma. Soft tissue sarcoma forms in the tissues that connect, support, and surround other body structures. This includes muscle, fat, blood vessels, nerves, tendons, and the lining of the joints. It has an average 2.1% of frequency rate in males and 1.2% in females. As Sarcoma Awareness Day is observed every year on July 21st, we at MediCircle are conducting an exclusive series to raise awareness about this rare medical condition. Hi, this is Sana Khan, and today in this initiative, we're going to speak to Dr. Gaurang Modi. Dr. Gaurang Modi has experience in treating patients of oncology, hematology. He has sound theoretical familiarity with medical oncology. He has almost 9 years of experience in this field. Dr. Gaurang has inimitable proficiency on almost all cancers. He is vigorous academically and testimonies this by published many research articles and case reports in the national and international journals and presents numerous oral and poster presentation in national conferences. Please welcome Dr. Gaurang to MediCircle. Hello, Dr. Gaurang, कैसे हैं आप? हेलो, यस, हाउ आर यू? आई एम फाइन, यस, गुड. जी, सो डॉक्टर गौरांग, सार्कोमा बहुत ही रेयर बीमारी है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को कोई खास नॉलेज नहीं है. शायद कुछ लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे. प्लीज इसके बारे में डिटेल्स बताइए. सार्कोमा एक एक प्रकार का कैंसर है जो दो दो प्रकार की मांसपेशियों में हो सकता है, जैसे बोन सार्कोमा हो और दूसरा हुआ सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा. अब बोन सार्कोमा मतलब जो भी अपने शरीर की हड्डियां होती है, बोन्स होती हैं, उसमें जो कैंसर की गठन बनती है उसको बोन सार्कोमा बोलते हैं. और अगर मांसपेशियों में यानी कि स्नायु में या तो कोई भी सॉफ्ट पार्ट है बॉडी का, उसमें अगर मैलिग्नेंसी हुई और जिसमें सार्कोमा के सेल्स दिख रहे हैं तो उसको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बोलेंगे. और बोथ टर्म्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज अ सार्कोमा. तो बोन सार्कोमा एंड सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा इज आर देयर आर टू डिफरेंट एंटिटी ऑफ द सेम कैंसर कॉल्ड एज सार्कोमा. बोन सार्कोमा की बात करें, मतलब कि हड्डियों के जो बोन कैंसर की बात करें, तो उसमें यूजुअली तीन प्रकार के कैंसर होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, इविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा. दीज आर द मेन थ्री टाइप्स ऑफ द कैंसर इन द बोन दैट इज ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड इन द बोन, मतलब वो हड्डियों में ही स्टार्ट होता है. दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं हम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, जैसे वो मसल में हो गया, जैसे हाथ या पांव या पेट के अंदर कोई भी कैविटी है या सॉफ्ट टिश्यू पार्ट है, उसी में अगर ये कैंसर हुआ तो उसको सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा बोलते हैं. और ये इतना कॉमन नहीं है. जो इंडिया में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है, जैसे कि हेड एंड नेक कैंसर, मतलब मुंह और गले कैंसर, स्तन कैंसर, लंग कैंसर, जो इंडिया में बहुत कॉमन है, लेकिन सार्कोमा जो है वो बहुत ही अनकॉमन है. इसलिए कॉमन जो लेमेन है उनको ये मालूम नहीं है कि ये सार्कोमा क्या होता है, लेकिन ये कोई भी पार्ट्स में हो सकता है. ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में से अगर कोई गठन है तो ये सार्कोमा हो सकता है. जैसे बोन सार्कोमा के मैंने पार्ट्स बताए, जैसे ऑस्टियोसार्कोमा हो गया, इविंग सार्कोमा, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऐसे सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के भी बहुत सारे सब टाइप्स है, जैसे साइनोवियल सेल सार्कोमा हुआ, लाइपोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, ऐसे बहुत सारे प्रकार के सार्कोमा है. करेक्ट. सो डॉक्टर गौरांग, ये अगर मतलब किस तरह से हम पहले स्टेज में, अर्ली स्टेज में इसको डिटेक्ट कर सकते हैं और इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में भी आप बताइए. सार्कोमा एक प्रकार का कैंसर ही है, इसलिए जैसे कैंसर के स्टेजेस होते हैं, जी, टोटल चार स्टेज होते हैं, कोई भी कैंसर के चार स्टेज होते हैं, ऐसे ही सार्कोमा के भी स्टेजेस होते हैं. तो अर्ली स्टेज का मतलब यूजुअली होता है कि पेशेंट पहले या तो दूसरे स्टेज में है,
और एडवांस स्टेज का मतलब होता है कि पेशेंट आइदर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में है। अगर गठान छोटी है और उसी पार्ट में है, कहीं और जगह फैली नहीं है, तो वो स्टेज वन या स्टेज टू हो सकती है। और अगर बहुत सारी फैली हुई है, जैसे पाँव में गठान है और लंग्स में वो फैला हुआ है, तो वो स्टेज फोर होता है। पाँव में गठान है और थाई पे वो फैला हुआ है, तो वो स्टेज थ्री है। इस तरह के उसका स्टेजेस होता है। अब अर्ली स्टेज में पिकअप करने के लिए वो जिस पार्ट में से एराइज हुई है जी, उसी में उसके सिम्टोम्स आएंगे। जैसे पाँव के बोन में अगर कोई गठान है तो वहां पे सूजन आएगी, वहां पे पेन होगा, पेशेंट को चलने में डिफिकल्टी होगी, कहीं पे अगर उसको ट्रोमा हुआ होगा तो अनयूजुअली स्वेलिंग आएगा। अच्छा, तो ये सिम्टोम्स होते हैं। ऐसे के बॉडी पार्ट्स के हिसाब से उसके सिम्टोम्स अलग अलग है। जैसे हाथ में वो गठान है तो वो सिम्टोम्स अलग होंगे। जैसे पेट में कुछ गठान है तो पेट में उसको पेट में दर्द होगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, उसका वेट लॉस होगा, उसको भूख नहीं लगेगी। और अगर मान के चलो कि अगर वो स्प्रेड हो चुका है, तो जो जहां पे वो स्प्रेड हुआ है, जैसे बोन में स्प्रेड हुआ है, तो वहां पे पेन होगा। और यूजुअली सार्कोमा जो है वो लंग्स में स्प्रेड होते हैं। तो पेशेंट मे प्रेजेंट विथ अ कफ, ब्रेथलेसनेस, खांसी आएगी, सांस फूलेगी, खांसी में से खून आएगा, इस तरह के सिम्टोम्स है। तो अगर हम पेशेंट को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें जो उसके वार्निंग सिम्टोम्स है उस पर पहले ध्यान देना चाहिए। जैसे कोई हड्डियों में कुछ सूजन आ गई, वो लोकल ट्रीटमेंट या लोकल ऑर्थोपेडिक ने ट्रीटमेंट किया लेकिन उसमें फायदा नहीं हुआ, देन विल गो फॉर सम एडवांस स्टेज। करेक्ट, ओके। सो ये सार्कोमा का कोई क्योर है क्या डॉक्टर, और अगर है तो ये किस तरह से डील कर सकते हैं अगर पेशेंट्स को ये हुआ? सार्कोमा को क्योर, सार्कोमा का क्योर है, और उसको क्योर करने के लिए पहले उसका डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कोई भी जगह पर गठान हुआ तो ये कौन सा प्रकार का सार्कोमा है, आइदर वी आर डीलिंग विद द बोन सार्कोमा और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा, ये हमें पहले मालूम करना है। वो हम यूजुअली पेशेंट की एज के हिसाब से तय करते हैं। कुछ सार्कोमा पीडियाट्रिक एज में मतलब छोटी उम्र में होते हैं, कुछ सार्कोमा ओल्डर एज में होते हैं, कुछ सार्कोमा मिडल एज में कॉमन होते हैं। दूसरा, हम पेट स्कैन करवाते हैं, मतलब पूरे बॉडी की जांच करवाते हैं, उसमें वो कहाँ पे स्प्रेड होता है वो हमें मालूम होता है। तीसरा, हम बायोप्सी करते हैं, कोई भी अगर गठान हुआ तो उसमें बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी से ये मालूम होता है कि ये बोन सार्कोमा है कि सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। अगर सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है तो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा का भी कौन सा सब टाइप है, लाइपोसार्कोमा है, एंजियोसार्कोमा है, साइनोवियल सार्कोमा है, और सबकी कैटेगरी के अनुसार वो बिहेव डिफरेंटली, राइट? तो ये स्टेज क्या है, टाइप क्या है, वो जानने के बाद उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होती है। कोई भी कैंसर में जैसे तीन प्रकार की सारवार होती है, जैसे सर्जरी, रेडिएशन मतलब किरण थेरापी, और थर्ड होता है कीमोथेरापी। ऐसे ही सार्कोमा में तीन प्रकार का ऑप्शन है, सर्जरी, रेडिएशन थेरापी और कीमोथेरापी। मोस्ट ऑफ द सार्कोमा आर ट्रीटेड बाय द सर्जरी। तो सार्कोमा जहां पे भी होगा उसमें सर्जरी मोस्ट प्रोबेबली आती है। और सर्जरी के बाद यूजुअली रेडिएशन थेरापी हम देते हैं, वो उसकी साइज के अनुसार होता है, कौन सा ग्रेड है, साइज कितनी है, उसके हिसाब से हम कीमोथेरापी और रेडिएशन थेरापी देते हैं। लेकिन हर एक सार्कोमा ट्रीटमेंट डिफरेंट है, लेकिन उसमें मोर ऑर लेस सर्जरी के अलावा आइदर रेडिएशन भी आ सकता है और कीमोथेरापी आ सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्जरी के पहले हम रेडिएशन थेरापी देते हैं, सर्जरी के पहले हम कीमोथेरापी देते हैं। लेकिन अगर ये अर्ली स्टेज में आया देन इट इज टोटली क्यूरेटिव, एंड आइदर सिंगल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होती है, मतलब कि एक ही सर्जरी हो गई और क्योर हो गया, या तो मल्टी मोडालिटी मतलब कि मल्टीपल थेरापी, सर्जरी, कीमोथेरापी और रेडिएशन। तो वो इट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द कैंसर, डिपेंड अपॉन द स्टेज ऑफ द कैंसर दैट वी आर डीलिंग विद। राइट राइट। सो डॉक्टर कोरंग, लास्ट मेरा सवाल ये होगा कि आप अगर किसी पेशेंट, अभी जो लोग सार्कोमा से डील कर रहे हैं या उसके शिकार हुए हैं, उसे उस तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आपका उनको एडवाइस क्या होगा, आप उनसे क्या एडवाइस करेंगे?
देखो सबसे पहले ये बात है कि सार्कोमा अगर अर्ली स्टेज में आया है तो वो कंप्लीटली क्योरेटिव है विथ आइदर सर्जरी प्लस और माइनस रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो अर्ली राइट स्टेज वाले जो भी पेशेंट है उनको कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, वो राइट क्योर हो जाएगा। अगर कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में है जी और थोड़ा सफरिंग है तो उसकी भी ट्रीटमेंट हमारे पास है, जैसे बहुत सारे सपोर्टिव मैनेजमेंट फॉर द पेन एंड ऑल द पेलिएटिव मेजर्स राइट हम कर सकते हैं उसके लिए। तो ऐसे पेशेंट को भी हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी स्टेज में आए उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास है। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरांग फॉर कमिंग टू आवर शो, और यहाँ आकर आपने आपका नॉलेज आपका एक्सपीरियंस से जो भी हमारे पेशेंट्स को और हमारे व्यूअर्स को जो भी आपने आज समझाया, आई होप वो हेल्पफुल रहे और तसल्ली हो गई होगी लोगों को जो इससे सफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, इट हैज बीन अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो ओके। मच, टेक केयर, बाय बाय।